हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 11.4 यानी क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आप लोग भी समझ लीजिए, जान लीजिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। यानी सबसे पहले आपको समझना होगा, जानना होगा इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। इस क्वेश्चन में आपको साधारण भाषा में आपको आंसर देना है, यानी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आपको आंसर देना है। और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है, हम आपको बता देते हैं। यानी एग्जांपल के माध्यम से आपको बताए भी हैं किस टाइप से आपको आंसर देना है। इन्होंने दे रखा है गिवेन सलीम स्कोर आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच। उसके बाद इन्होंने कहा है ललिन स्कोर ब्रैकेट में इन्होंने दे रखा है आर प्लस 15 रन्स। उसके बाद इन्होंने कहा है इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, यानी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आपको आंसर देना है। और यहाँ पर एग्जांपल में दिया भी गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आंसर इन्होंने दे भी दिया क्योंकि ये क्वेश्चन था, और यहाँ पर इन्होंने आंसर भी दिया। आपको समझाने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पर पढ़ लीजिए। इन्होंने दिया है ललिन स्कोर 15 रन्स मोर देन सलीम। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जो सलीम का स्कोर था, यहाँ पर देख सकते हैं आर था, और यहाँ पर ललिन का जो स्कोर था आर प्लस 15 था। तो मोर देन कौन सा हुआ, ललिन का हुआ आर प्लस 15। यानी एग्जांपल के माध्यम से इन्होंने समझाया था, और हम आपको भी समझा देते हैं एक बार। और एक क्रिकेट मैच में सलीम ने आर रन्स बनाए और ललिन ने आर प्लस 15 रन्स बनाए हैं। उसके बाद ललिन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलते हैं हम ए पार्ट में। ए पार्ट का आंसर भी आपको इसी मेथड से देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए पार्ट में इन्होंने कहा है अ नोटबुक कॉस्ट, यहाँ पर रुपया इन्होंने दिया पी। उसके बाद इन्होंने कहा है अ बुक कॉस्ट, यहाँ पर रुपया 3p इन्होंने दे रखा है। एक बार और समझाते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है एक अभ्यास पुस्तिका का जो मूल्य है, यहाँ पर आर, यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने दे रखा है आर यानी रुपया, ठीक है, यानी जो रुपया है यहाँ पर पी इन्होंने दे रखा है। उसके बाद इन्होंने कहा था एक पुस्तक का मूल्य, यहाँ पर रुपया इन्होंने दिया 3p। तो यहाँ पे मोर देन कौन सा हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं हम आपको बता देते हैं जो अभ्यास पुस्तिका का यानी जो नोटबुक का जो कॉस्ट है यहाँ पर पी है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो पुस्तक का जो रुपया है यानी कॉस्ट है यहाँ पर 3p है। तो मोर देन कौन सा हुआ, यहाँ पर हुआ 3p। तो यही आपको लिखना था, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम बता देते हैं हिंदी मीडियम एक पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से 3 गुना ज़्यादा है। आपको समझ में आ गया होगा, फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अभ्यास पुस्तिका का जो मूल्य है 3 रुपया है। उसके बाद इन्होंने ये कहा था एक पुस्तक का मूल्य, यहाँ पर देख सकते हैं 3p है। तो यानी अभ्यास पुस्तिका का जो मूल्य 3 रुपया ज़्यादा है या पुस्तक का मूल्य 3p ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा कौन सा है, यहाँ पर पुस्तक का मूल्य ज़्यादा है यानी 3 गुना ज़्यादा है, किस से, अभ्यास पुस्तिका से। आपको यही लिखना था। और इंग्लिश मीडियम लिख लेंगे हम, बता देते हैं यहाँ पर लिख लेंगे अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। यानी जो नोटबुक से 3 times ज़्यादा कौन सा है, बुक है हमारा, यही आपको लिखना था। चलिए हम लिखकर आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम एक ही साथ लिखेंगे। आप लोगों को बस आंसर इसी में देना है कितने टाइम ज़्यादा है यानी कितना गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ए में लिखिएगा अ बुक, यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अ बुक कॉस्ट 3 times द। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट शो कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा समय हमें न देना पड़े। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यानी नोटबुक से जो बुक है 3 times क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर हिंदी मीडियम आप लोग लिख लीजिएगा, हम बता देते हैं एक पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से 3 गुना है, बस यही आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं बी पार्ट की। तो यहाँ पर लिख लेंगे बी पार्ट भी, हम बता देते हैं यहाँ पर तो
चलिए हम बता देते हैं इन्होंने क्या कहा था यहाँ पर, बी वाले पार्ट में हम बता देते हैं। इन्होंने कहा यहाँ पर टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन कहा है ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स, यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है टोनी ने मेज पर क्यू कंचे रखे हैं, यानी टोनी जो है मेज पर क्यू कंचे रखे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा उनके पास डिब्बे में 8 क्यू कंचे हैं, ऑलरेडी 8 क्यू कंचे किसमें हैं, यहाँ पर बॉक्स में। तो मोर देन कौन सा हुआ यहाँ पर, यानी कितने टाइम्स हुआ, 8 टाइम्स हुआ है, यानी किसमें है, बॉक्स में जो है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जो टेबल पर है क्यू मार्बल्स हैं, तो क्यू मार्बल से हमारा मोर देन कौन है, 8 क्यू है, ठीक है। यानी ऑलरेडी बॉक्स में 8 क्यू मार्बल्स हैं, तो मोर देन यही है, यानी 8 टाइम इससे क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे टोनी बॉक्स कॉन्टेन 8 टाइम्स द मार्बल्स ऑन द टेबल, यही आपको लिखना है। यानी हिंदी मीडियम लिख लेंगे टोनी के डिब्बे में मेज पर रखे कंचों का 8 गुना है, बस आपको यही लिखना है। चलिए लिखकर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे बी वाले पार्ट में हम आपको यहाँ बता देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टोनी, यहाँ पर लिख देंगे टोनी, यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स। तो चलिए हम डायरेक्ट शो कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हिंदी मीडियम लिख लेंगे, हम बता देते हैं टोनी के डिब्बे में मेज पर रखे कंचों का 8 गुना है। तो चलिए अब सी पार्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सी पार्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए सी वाले पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इन्होंने कहा है सी पार्ट में आप देख लीजिए आवर क्लास हैज एन स्टूडेंट, उसके बाद खुद से इन्होंने ये कहा द स्कूल है 20 एन स्टूडेंट, यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है हमारी कक्षा में एन विद्यार्थी हैं, उसके बाद खुद से इन्होंने ये कहा स्कूल में 20 एन विद्यार्थी है। तो इनमें आप देख सकते हैं मोर देन कौन सा हुआ, ये तो क्लास के एन स्टूडेंट हो गए और ये टोटल स्कूल के स्टूडेंट है, यानी 20 एन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोर देन कौन सा हुआ, 20 टाइम्स, यानी 20 टाइम हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट हैं ये मोर देन है, ये आपको लिखना है। तो लिखना क्या होगा हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सी पार्ट में टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इन 20 टाइम दैट इन आवर क्लास, यहाँ पर हिंदी मीडियम लिख लेंगे हम बता देते हैं हमारे स्कूल में हमारी कक्षा से 20 गुना विद्यार्थी हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सी पार्ट में लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल टोटल नंबर, यहाँ पर लिखते हैं नंबर, चलिए हम डायरेक्ट शो करते हैं ताकि वीडियो हमारा लॉन्ग ना हो। यहाँ पर लिख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 20 टाइम्स दैट इन आवर क्लास, ये लिख लीजिएगा आप लोग। और हिंदी मीडियम में यहाँ पर लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी लिख लेंगे यहाँ पर हिंदी मीडियम में यहाँ पर लिखेंगे हमारे क्लास में, यानी हमारे स्कूल में हमारी कक्षा से 20 गुना विद्यार्थी हैं। फिर से हम बता देते हैं यहाँ पर हमारे स्कूल में हमारी कक्षा से 20 गुना विद्यार्थी हैं। तो चलिए अब हम डी पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डी पार्ट। तो देख लीजिए यहाँ पर डी वाले पार्ट में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है जग्गू इज जेड वर्स ओल्ड, उसके बाद इन्होंने कहा हिज अंकल इज 4z ओल्ड एंड हिज आंट इज ब्रैकेट में इन्होंने दिया 4z-3 ओल्ड, यानी सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। इन्होंने कहा है जग्गू की जो आयु है जेड वर्स है, उनके चाचा की जो आयु है 4z यानी 4z है, और उनकी चाची की जो आयु है 4z-3 है। तो आंसर में हम लिखेंगे बता देते हैं जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुनी है, उसके बाद हम लिखेंगे उनकी चाची
उनके चाचा से 3 वर्ष छोटी हैं। तो चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे, हम आपको बता देते हैं, जगु अंकल्स एज इज 4 टाइम्स ओल्डर देन, उसके बाद लिखेंगे जगु एंड जगु आंट इज 3 इयर्स यंगर देन हीज अंकल। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं डी पार्ट में जगु यहाँ पर लिखेंगे जगु। तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट शो करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम बता देते हैं जगु अंकल्स एज इज 4 टाइम्स ओल्डर देन जगु एंड जगु आंट इज 3 इयर्स यंगर देन हीज अंकल। आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है कि इनसे कितने टाइम्स मोर देन है, यानी कितने कितने टाइम्स ओल्डर देन है, मोर देन है, आपको यही बताना है। और यहाँ पर हिंदी मीडियम लिख लेंगे, हम बता देते हैं जगु के चाचा की आयु जगु की आयु की 4 गुनी है और उनकी यानी उसकी चाची उसके चाचा से 3 वर्ष छोटी है, ये हिंदी मीडियम लिखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ई पार्ट की, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे ई पार्ट, यानी हम बात कर रहे हैं आप लास्ट वाले पार्ट की। यहाँ पर हम ई पार्ट शो करते हैं आप और पढ़ लेते हैं ई पार्ट में इन्होंने क्या कहा था, और आप लोगों को भी समझना होगा जब ही आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ई पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने क्या कहा है, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट देयर आर, और यहाँ पे इन्होंने दिया आर रो, उसके बाद इन्होंने कहा इस रो कंटेंट 5 डॉट, यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। इन्होंने कहा है बिंदुओं यानी डॉट जो है, डॉट को हिंदी बोलते हैं बिंदु, यानी बिंदुओं की एक व्यवस्था में आर पंक्तियाँ है, इन्होंने यही कहा है आर पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप आंसर दे सकते हैं, नहीं आया तो फिर से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कहा है बिंदु की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे पंक्तियों में कुल बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या का 5 गुना है, आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। और इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, हम बता देते हैं यहाँ पर लिखेंगे ई पार्ट में द टोटल नंबर ऑफ डॉट इज 5 टाइम द नंबर ऑफ रो, यानी इस क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर डॉट है, डॉट से मोर देन कौन सा है, हमारा यहाँ पर देख सकते हैं रो है, बस यही लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिख कर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम द टोटल नंबर, यहाँ बता देते हैं और आप लोग भी लिख लीजिएगा द टोटल, यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर शो करते हैं, यहाँ पर हिंदी मीडियम लिख लेंगे, हम बता देते हैं पंक्तियों में कुल बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या का 5 गुना, आपको ये लिखना है। तो देखिए बहुत जल्दी हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।